हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द नेम ऑफ द टॉपिक एंड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वॉट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट इन दिस चैप्टर तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको डायरेक्टली पेपर में ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके कुछ बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या है और वो बेसिक चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो दैट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू सॉल्व द एडजस्टमेंट्स तो इस चैप्टर से अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करें तो दैट इज कैपिटल रिडक्शन ठीक है कैपिटल रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज कैपिटल रिडक्शन में अगर हम देखें तो कैपिटल रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंक्रीज या डिक्रीज या प्रॉफिट या लॉस तो इस चैप्टर का एक बेसिक रूल ये है कि जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आपको होता है वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वो सेपरेट अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडक्शन तो इस चैप्टर में हम क्या करते हैं हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं हम असेट्स को रिवैल्यूड करते हैं हम फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो वी आर राइटिंग ऑफ द फिक्टिशियस असेट्स वी आर राइटिंग ऑफ द असेट्स वी आर रिकॉर्डिंग द एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द दसेट्स तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में करते हैं तो पूरा जर्नल एंट्री लेजर इसके ऊपर ये चैप्टर बेस है लेकिन चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया है तो हम इस लेक्चर में आज के वीडियो में क्या सीखेंगे हम आज के वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे वो अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा क्या है सबसे पहला बेस अगर सबसे पहला बेस की अगर हम बात करें तो आपको सिंपल रूल याद रखना है एंड दैट सिंपल रूल इज़ अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट दिखता है अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट दिखता है तो हम क्या करेंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ठीक है बहुत ही सिंपल रूल है कि वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग एनी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन एंड इफ़ यू फाइंड कि देर इज़ अ प्रॉफिट देन दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड द जरल एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड तो हमको क्या याद रखना है जब कभी भी आपको प्रॉफिट दिखेगा जब कभी भी आपको आपके एंट्री में प्रॉफिट दिखेगा तब वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिडक्शन में और ट्रांसफ़र कैपिटल रिडक्शन में होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा तो आपको याद रखना है क्रेडिट होगा ठीक है सबसे सिंपल अगर आपको कभी भी कैपि लॉस दिखता है कोई भी ट्रांजेक्शन होने दो कोई भी पॉइंट होने दो अगर आपको लॉस दिखता है तो आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो आपका लेजर है वो क्या होगा वो डेबिट होगा ये बेसिक रूल है अगर ये बेसिक रूल याद रखोगे तो कोई भी जर्नल एंट्री जब आप फ्रेम करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा तो दैट इज द बेसिक पॉइंट आई होप कि आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आया होगा इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है हमें सारे असेट्स के बारे में रिवैल्यूड फिगर्स दिए रहेंगे ठीक है सिंपल पॉइंट है असेट्स के बारे में क्या किया जाएगा रिवैल्यूड फिगर्स दिया जाएगा हमको ये चेक करना है कि असेट्स का वैल्यू असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है या असेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ है एग्जांपल लेता हूँ एक से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक असेट है लैंड एंड बिल्डिंग जिसका आपके क्वेश्चन में वैल्यू दिया है वन लाख एंड हमारे एडजस्टमेंट में उसका वैल्यू दिया है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है काफी सिंपल है अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमको असेट का वैल्यू दिया है वन लाख और यहाँ पे हमको असेट्स का वैल्यू एडजस्टमेंट में कितना हुआ है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो आपको क्या दिख रहा है इसमें असेट्स का वैल्यू क्या हुआ है असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है ठीक है अभी मैं आपको रूल बताता हूँ ये रूल ध्यान रखना ये रूल से ही पूरा सम सॉल्व होता है अगर ये रूल आप ध्यान से याद रखोगे तो दैट तो विल बी वेरी मच इजी क्या है ये रूल रूल काफी सिंपल है रूल ये है कि अगर आपका असेट्स अगर आपके असेट के वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो हमको याद रखना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा और अगर आपके असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमको याद रखना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा बहुत ही सिंपल है कि इफ़ योअर असेट्स वैल्यू इज इंक्रीज उसको हम अकाउंटेंसी में क्या कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स अगर आपके असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं और अगर हमारे असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं तो असेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा और असेट्स की वैल्यू जब कम होगी तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा ठीक है बहुत ही सिंपल है देखो अभी हम ये एग्जाम्पल में अगर कंपेयर करें तो वन लाख हमारे असेट्स की वैल्यू है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड हुई इसका मतलब आपके असेट की वैल्यू क्या हो रही है फिफ्टी थाउजेंड से बढ़ रही है तो मैंने अभी आपको बताया असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा क्रेडिट होगा ऐसा क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है और मैंने अभी आपको रूल बताया था कि जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा जब कभी भी लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा तो असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो दैट इंडिकेट्स इट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स एंड इफ इट इज़ एन एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड तो डेबिट क्या करोगे आप डेबिट करोगे वो असेट्स का नाम तो हमारे एग्जाम्पल में एंट्री क्या बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन और अमाउंट कौन सा लिखेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है फिफ्टी थाउजेंड वो हमको लिखना है ठीक है दैट्स दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट और बेसिक चीज़ें बताता हूँ वो बेसिक बेसिक चीज़ें भी ध्यान रखोगे तो फिर चैप्टर डिफिकल्ट नहीं जाएगा ठीक है अभी जनरल एंट्री फ्रेम करने में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी फेस होती है जर्नल एंट्री फ्रेम कैसे करने का पहले से बेसिक सारी चीज़ें क्लियर नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ ध्यान रखना सिंपल ट्रिक्स ये है अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में पेड वर्ड आया ठीक है कि रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड ऐसे कुछ पॉइंट्स है या कोई भी एक्सपेंसेस के बारे में पॉइंट है या कोई भी पॉइंट के बारे में आपको सेटल्ड वर्ड आ रहे हैं ठीक है सबसे सिंपल है अगर पेड वर्ड आएगा या सेटल वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है अगर कैश में पेमेंट हम कर रहे हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा ठीक है इट्स वेरी सिंपल वेनेवर एवर वी आर पेड़ वर्ड और सेटल वर्ड इन द क्वेश्चन बैंक अकाउंट आपका क्या होगा बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा ठीक है और अगर आपके क्वेश्चन में सोल्ड वर्ड आता है ठीक है सोल्ड वर्ड आएगा तो आपको क्या याद रखना है सोल्ड वर्ड में आपको हमेशा याद रखना है बैंक अकाउंट जो है आपका डेबिट होगा क्यों पैसे हमको मिलेंगे दैट इज जो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होता है ये रूल आपको याद रखना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी सिंपल टॉपिक है आ, उसके बेसिक जरल एंट्रीज़ के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक वीडियो देखें उसके बाद सारे लाइन से वीडियो है लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री लेक्चर फोर ऐसे सारे लाइन से वीडियो है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए हैं लेकिन एक बेसिक चीज की नॉर्मली uh, रिकंस्ट्रक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो सारे पॉइंट्स आप इस पूरे आज के सेशन में से लिख सकते हैं आपके पास तो इस चैप्टर में बेसिक रूल क्या है कि एक लेजर हमें बनाना पड़ता है या एक प्रॉफिट या लॉस जो भी ट्रांसफ़र होता है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र होता है एंड अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन में प्रॉफ़िट दिखेगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट दिखेगा और अगर आपको कभी भी कोई ट्रांजेक्शन में लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा डेबिट होगा यही आपको याद रखना है असेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा असेट्स की वैल्यू जब कम होगी तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा फिर अगर आपको कभी क्वेश्चन में पेड या सेटल वर्ड दिखेगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा अगर आपको कहीं क्वेश्चन में सोल्ड वर्ड दिखेगा तो बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा ये बेस लेके चले तो कोई भी ट्रांजेक्शन आने दो फिर उसको आप इजी तरीके से जर्नल एंट्रीज को फ्रेमड कर सकते हैं तो आपको इसी तरीके से हर चैप्टर के बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मैं वीडियोस बना के दूंगा तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स भी शेयर करें ताकि जो लोगों को भी जर्नल एंट्रीज डिफिकल्ट लगता है इस तरीके से बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको जरल एंट्री कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर